में वैसे इजी लगती है ये, लेकिन काफी काफी स्टीप हो जाती है यहाँ पर। बस गाड़ी का पावर तो लगा, लेकिन ज्यादा मशक्कत हुई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है कुल्लू सिटी, बहुत ही सुंदर सिटी है, और प्रासर लेक से यहाँ तक पहुँचने में लग फ्रेंड्स एक छोटी सी समस्या होगी है एक्चुअली यहाँ पर, है ना। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है चैल द एक्सप्लोर में, और यहाँ से प्रासर लेक से जर्नी नेक्स्ट शुरू करते हैं। अभी जाएंगे कुल्लू, और कुल्लू में अपना स्टे है रात को। आज यहाँ से 60-65 किलोमीटर है आई थिंक, और लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक व्यू दिखाऊं आपको, अच्छी चीज़ दिखाऊं, वो देखो रियर कैमरे से दिखाता हूं। वो मून है दोस्तों, देखिए अभी रोशनी बाकी है यहाँ पर, मून देखिए पूरा एकदम से गोल गोल नज़र आ रहा है। आज तक ये नज़ारा भी नहीं देख पाया था मैं कभी, और सही बताऊँ मैं, आप लोग भी नहीं देख पाओगे अगर यहाँ नहीं आओगे तो। पूरी रोशनी कर रखी है मून ने, देख रहे हो पहाड़ियों के आसपास आपको रोशनी नज़र आ रही होगी। मैं एक फ़ोटो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। पर देखो दोस्तों, जब ऊपर तक गाड़ी ले आते हैं तो थोड़ी समस्या होती है, ऐसे बैक करके यहाँ पर, और यहाँ से ही ले जानी पड़ेगी। ये रास्ता है, काफ़ी दुर्गम रास्ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं अपनी जर्नी कुल्लू के लिए। रास्ते में कुछ स्पेशल होगा तो दिखाएंगे आपको। डिनर वगैरह का प्लान है तो डिनर भी करेंगे, और पहले ये गाड़ी, इस गाड़ी को निकलने देते हैं, फिर अपनी गाड़ी को निकालते हैं, ठीक है। तो अभी गाड़ी अपनी चलने को तैयार है, इस गाड़ी का वेट कर रहा हूँ निकल जाए। चलो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ थोड़ी बैक करना मुश्किल हो सकती है, दिखाता हूँ आपको कैसे बैक करी। ऊपर दिखाना है यहाँ से बैक कैसे हो पाएगी गाड़ी। तो पहले हम कोशिश करते हैं, उसे घुमा के फिर लेके आएंगे इसको, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, वो है सर ये आगे, सर ये है मेरे को दिख गए हो, इसलिए दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। कि पीछे वो लाइट अगर बंद कर लो तो बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। आप लोगों ने ऑन करी थी ना, ज्यादा क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पर बंद होने का खतरा है तो बंद हो गई गाड़ी। ऐसे दिखने में वैसे इजी लगती है ये, लेकिन काफी काफी स्टीप हो जाती है यहाँ पर। बस गाड़ी का पावर तो लगा, लेकिन ज्यादा मशक्कत हुई नहीं, और क्योंकि यहाँ पर मजा आ रहा है, मतलब बिना किसी मशक्कत के हम लोग ठीक से चल पा रहे हैं। फ्रेंड्स थोड़ा अंधेरा हो गया है, प्रासर लेक जाने के लिए यहाँ से भी रास्ता है, जैसे गाड़ियाँ यहाँ खड़ेगी और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हमने किसी वीडियो में देखा नहीं, तो हमें पता नहीं था, इसलिए हम गाड़ी पूरी आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करें और पैदल पैदल पहुँच जाएँ इस पहाड़ के उस साइड प्रासर लेक है। पर दोस्तों गाड़ी खड़ी कर दी है कुल्लू की तरफ जाते हुए, प्रासर लेक से थोड़ा सा ही, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं आए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो गया। चाय पी के फिर चलेंगे, और ठीक ठाक है, 15 रुपये की चाय मिलती है यहाँ पर, 40 रुपये की मैगी और 50 रुपये की ऑमलेट, ठीक है जी। और यहाँ लाइट का प्रबंध है नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है, आग वग जला के बैठे हैं, टूरिस्ट हैं काफ़ी, देखो गाड़ी काफ़ी सारी खड़ी है यहाँ, तो टूरिस्ट काफ़ी आते हैं यहाँ भी। ठंड बहुत है दोस्तों, ये बता दूँ मैं आपको, यहाँ भी पानी जम गया है। थोड़ा लेट हो गए थे आज चाय पीने में, तो चाय पी ली है, अब प्रासर लेक से बढ़ते हैं अपने कुल्लू की तरफ, और वहीं स्टे होगा, बीच में खाना खाएंगे, वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और ये अपने मास्क गिर गया नीचे, अंकल आ रहे हैं बिट्टू साथ में आ रहे हैं, अंकल को छोड़ के जाएंगे हम। अरे नहीं, अंकल को छोड़ के जाएंगे तो कैसे चलेगा,
तो चलिए दोस्तों, ये अंकल भी आ गए हैं और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पीछे गाड़ी है नहीं कुछ, ठीक है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये है कुल्लू सिटी, देख रहे हो आप साइड से, लेफ्ट साइड में बताऊंगा सागवान भाई को करके दिखाए। बहुत ही बड़ी, बहुत ही सुंदर सिटी है और प्रासर लेक से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 3 घंटे 2.5 घंटे होगी सागवान भाई, है ना? हाँ जी। रोड काफी खराब है वहाँ से, तो चाय भाई पी के वहाँ से चले थे, आपने देखा ही है। तो अब इस सिटी में पहुंचे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, देख रहे हो। अभी रात को रुके हैं कुल्लू में, सुबह जाएंगे मनाली। ठीक है, चला ही जाते हैं। तो ये व्यू है कुछ दोस्तों कुल्लू सिटी का। एक्चुअली कैमरा नहीं है कैच कर पा रहा, काफी वाइड है कैमरा, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जो ये ब्यूटी है ना अपने ये मनाली या फिर जो भी है हिली एरियाज की है, कैमरा तो डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता इसको। आप खुद यहाँ आएंगे तभी एंजॉय कर पाएंगे। तो ये देखिए मेरी डेस्टिनेशन, अभी मैं आपको गूगल मैप पे भी दिखा दूँ, सिर्फ 1 मिनट ही बची है, ठीक है? तो वहीं पर जाके बात करेंगे, चलते हैं, चलो एक बार डेस्टिनेशन पहुंच के बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी समस्या होगी है एक्चुअली यहाँ पर, है ना, देखो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, ये नया ब्रिज बन रहा है नदी के इस साइड, और अपने को जाना था नदी के उस साइड, तो गूगल महाराज ने भेज दिया इस साइड से, तो अपने को 10-15 किलोमीटर वापस आना पड़ा है। तो अपने जो फ्रेंड है वो खुद ही लेने आ रहे हैं अपने को, क्योंकि गूगल महाराज ने कर दिए हाथ खड़े, तो बोल रहा है कि भाई मैं नहीं ले जा पाऊँगा। तो अभी यहाँ वेट, अभी फ्रेंड करंट लोकेशन भेजी है मैंने भाई के पास, भाई आ जाओ आप। ये टिक्का मैंने भी नोटिस किया, वैसे ये वहीं पर लगा अपने प्रासर लेक में, जो मंदिर है प्रासर ऋषि का, वहां पर लगा है। तो उनके पास करंट लोकेशन भेजी है, तो वो आ रहे हैं अभी लेने के लिए, देखते हैं क्या रहेगा, फिर पहुंचते हैं। बड़ी समस्या हो जाती है जी, अब एक बार आप उलझ जाते हो ना नई जगह पे, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनका ही वेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ खड़ा हूँ, पता नहीं कौन सी जगह है, यहाँ पर नया ब्रिज बन रहा पीछे, तो ये सारा सुबह दिखा पाऊंगा आपको, अभी दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा। एक बार डेस्टिनेशन पहुंच जाऊं, फिर देखते हैं, सारा सेटल करके आपसे बात करूंगा। आ गए हैं दोस्तों लेने के लिए, अब पीछे पीछे लगाते हैं स्कॉर्पियो को और चलते हैं उनके साथ। हाँ बेटा, हाँ कुल्लू पहुंच रखे हैं, अभी मनाली के लिए कल जाएंगे, आज नाइट में यही रुकेंगे। ऐसी जगह पे क्या होता है कि अगर एक बार आप उलझ गए ना तो उलझ गए, तो इसलिए मैंने फिर अपने अच्छे दोस्त हैं अर्जुन भाई, उनको बुला लिया था, तो बोले चलो जी मैं आता हूँ आपको लेने के लिए। इस साइड तो इसने मोड़ा ही नहीं था अपने को, हैं? मतलब गूगल पे भी आंख बंद करके आप विश्वास कर नहीं सकते। तो भाई हमने मैप पे विश्वास कर लिया, आप लोग मत करना, ठीक है? तो इस साइड तो ना एक बार भी गूगल ने ये नहीं बोला कि आप इस साइड चले जाओ, हैं? तो देखो कितना बहका दिया था इसने। अब ये वाला ब्रिज था जो क्रॉस करना था अपने को, कुल्लू सिटी, अच्छा व्यू आ रहा है।
तो भूतिया ब्रिज था, डरा दिया था इसने तो, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। हाँ बिल्कुल, नाम भी कितना अच्छा रखा है भूतिया ब्रिज। ये भी यादगार होगी। सही बताओ दोस्तों, ये ना प्रासर लेक से कुल्लू लेने में भी है ना, मतलब अब एडवेंचर हो गया है, एडवेंचर हो गया है ये भी तो। ठीक है, कई बार ऐसे भी मजा आता है, आप जर्नी का आनंद ले सकते हैं। देखो नैनो भी चलती है, मतलब नैनो 105 पे ही नहीं पहाड़ियों पे भी चलती है। 105 पे दौड़ते हुए वीडियो बनाया था मैंने, 105 पे क्यों, वो तो 110 के आसपास थी, और पहाड़ियों में भी कामयाब है। अभी हैं हम कुल्लू सिटी के बीचों बीच। अर्जुन भाई अपने सब्सक्राइबर भी हैं, अपने दोस्त भी हैं, और आज अपनी हेल्प भी कर रहे हैं, तो उसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद। जब ये वीडियो देखेंगे तो अपना धन्यवाद ले लेंगे, ठीक है। लेकिन सिटी अच्छी है, खुली है, मेरे को बाकी सिटियां जो हमने देखी बीच में, अपन एक बिलासपुर देखा था, मंडी देखा था, तो बड़ी कंजस्टेड थी वो, बिलासपुर मंडी में जैसे देखा बड़ी कंजस्टेड थी, तो ये उनके मुकाबले काफ़ी खुली है। देख रहे हो आप, रोड भी देख सकते हो, डबल लेन है ये, सिटी का रोड है और ये डबल लेन है बीच में। तो आज घूम रहे हैं कुल्लू की, कुल्लू सिटी की गलियों में, सड़कों पे कह सकते हो यार, गलियां गांव की होती है। अब बहुत दूर थे सगवन भाई, क्या बोलते हो, बहुत दूर थे हम लोग तो। हाँ एक्चुअली हम दूसरी साइड से भी अगर आते तो भी वो इतना ही दिखा रहा था ना, मैं इतना ही दिखा रहा था, और शायद हम ढूंढ भी नहीं पाते अगर ये लेने नहीं आते। आप बताओ, वहां पर दो तो ब्रिज बन रहे हैं और ये तीसरा ब्रिज था, गूगल खुद ही कंफ्यूज था कहाँ भेजना है, क्योंकि वो अभी उसमें चढ़ा नहीं होगा मैप में। खुद का नेविगेशन हो जाएगा, बहुत आगे क्या, बहुत गलत चले गए। तो दोस्तों पहुंच गए हैं यहाँ पर, डेस्टिनेशन है अपनी, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, आप लोगों दिखा दो, पार्किंग नीचे करनी पड़ेगी और फैमिली को यहाँ उतार देते हैं, सामान रख देते हैं अपना, ठीक है जी। तो नीचे उतरते हैं एक बार, भाई की जिप्सी उधर खड़ी है। हाँ तो अभी यहाँ पर है अपनी डेस्टिनेशन, कितना ऊपर जाना पड़ेगा, बस यही है सर, बगल में ही है। अच्छा बगल में ही है, बस फिर तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो भाई सामान उतार लेते हैं और पहुंचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है अपना आज रहने का प्रबंध, ठीक है। आपको मैं रूम का टूर भी दिखाता हूँ कैसा है अंदर चल के। यहाँ पर दोस्तों अपनी गाड़ी होगी पार्किंग, क्योंकि कुल्लू और जैसे पहाड़ी इलाकों में है ना, पार्किंग करना बड़ी समस्या होती है, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी होगी आराम से पार्किंग। और ये अपनी प्रॉपर्टी है जहाँ पर आज रुकेंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ थोड़ा,
ठंड बहुत है दोस्तों, ठीक है जी, इसको बंद करते हैं, हीटर वीटर का प्रबंध है। आज इसको दो रूम मिले एक्चुअली हमें, इसको डाइनिंग रूम बना लेते हैं और वहाँ पर अभी डिनर करेंगे, ठीक है जी। और ये अपना बेडरूम है, यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली ये सारा वो अपने दोस्त जो हैं अर्जुन भाई, उन्होंने एडजस्ट करवाया है, तो बड़ा अच्छा लगा हमें, ठीक है। और डिनर भी आ गया है अपना, तो अब करेंगे डिनर। आज का वीडियो का करते हैं यहीं पर अंत। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अभी सीरीज जारी है, कल चलेंगे मनाली और रोहतांग, ठीक है, वहाँ का भी आपको टूर दिखाएंगे, अटल टनल चलेंगे, तो वो सारा कुछ मैं शेयर करूँगा। तो तब तक आप चैनल कर लें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, डिनर कर लेते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और सुबह घूमेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, आज का वीडियो देखेंगे, थैंक यू, जय हिंद।